हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं सेक्शन ई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाई आर क्लोज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। क्लोज जो है हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर आप निशान लगाएं। पेज नंबर 26 पे आ जाएं। तो यहां से यहां तो लिखना है, क्लोज से लेकर क्लोज से स्टार्ट करेंगे और स्मार्ट तक लिखेंगे। ठीक है, पहले यहां लिखेंगे क्लोथ आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। क्लोथ आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स, इतना लिख लेंगे। उसके बाद यह नहीं लिखना है वाई आर दे सो इम्पॉर्टेंट, यह नहीं लिखना है विकास तक। लिखेंगे क्लोज आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स यहाँ तक, उसके बाद दे से लिखना है। ठीक है, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी से लेकर स्मार्ट तक, यह वाई से लेकर विकास तक के बीच में लिखना है। ठीक है, क्लोज से स्टार्ट करेंगे, नीड तक लिखेंगे, इसके बाद वाई से विकास तक नहीं लिखना है, फिर दे से लेकर स्मार्ट तक। एक क्वेश्चन नंबर वन का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है सेक्शन ई का, हाउ डिड पीपल कवर देयर बॉडी बिफोर इन्वेंशन ऑफ क्लोथ। कपड़े के खोज से पहले लोग अपना शरीर जो है कैसे ढकते थे। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर का निशान लगाएं। पेज नंबर 26 पे यहां से लिखना है क्वेश्चन नंबर टू का आंसर। यहां से प्रिमिटिव से लेकर एनिमल्स तक, प्रिमिटिव से स्टार्ट करेंगे और यहां डेड एनिमल्स तक लिखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है, प्रिमिटिव से डेड एनिमल्स तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री पूछ रहा है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फाइबर एंड फैब्रिक। फाइबर और फैब्रिक में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर थ्री का निशान लगाएं, फाइबर और फैब्रिक में डिफरेंस। देखा ध्यान से, पेज नंबर 27 पे यहां से लिखना है क्लोथ से, क्लोथ से लेकर फैब्रिक तक। क्लोथ आर मेड अप थिन लॉन्ग स्ट्रक्चर्स कॉल फाइबर्स। फाइबर्स आर लाइक थिन स्टैंड ऑफ थ्रेड दैट आर वूवन टू मेक फैब्रिक्स। यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है, क्लोथ से लेकर फैब्रिक्स तक। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन फाइबर्स। कॉटन फाइबर के क्या प्रॉपर्टी हैं, तो निशान लगाएं। क्वेश्चन नंबर फोर का पेज नंबर 30 यहां से लिखना है। क्वेश्चन नंबर फोर का द एडवांटेज से लेकर वेदर तक। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ कॉटन क्लोथ आर दैट दे आर सॉफ्ट, एब्जॉर्ब स्वेट एंड आल्सो लेट एयर इन। व्हेन वी स्वेट एवेपोरेट इट मेक द बॉडी कूल। कॉटन क्लोथ आर देयरफॉर कंफर्टेबल टू वियर स्पेशली इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। यहाँ तक द एडवांटेज से लेकर वेदर तक, यह क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, आइए देखते हैं सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर फाइव,
देखें पेज नंबर 33, यहाँ से लिखना है सिंथेटिक फाइबर से लेकर क्लाइमेट तक। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सिंथेटिक फाइबर से स्टार्ट, सिंथेटिक क्लोथ से स्टार्ट करेंगे, लिखना है सिंथेटिक क्लोथ से लेकर, या टोटल लिखेंगे दोनों लाइन, या चौथी लाइन पे क्लाइमेट तक लिखना है, यह क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉटन ऑब्टेंड, प्लांट के किस हिस्से से कॉटन प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, तो निशान लगाएं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। पेज नंबर 29, यहां से लिखना है कॉटन से लेकर प्लांट तक। कॉटन इज ए सॉफ्ट फाइबर दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड पार्ट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, यहां तक लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, कॉटन से प्लांट तक। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द यूज ऑफ कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर का क्या यूज है। तो निशान लगाएं क्वेश्चन नंबर 7 का। पेज नंबर 30, यहां से लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 का कॉटन से लेकर क्विल्ट्स एंड कशंस तक। कॉटन फाइबर से लेकर कहां तक लिखेंगे, क्विल्ट्स एंड कशंस तक, यहां तक ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका